हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल अपना इंश्योरेंस वाला। हेलो फ्रेंड्स, LIC में कई तरीके के क्लब मेंबरशिप होती हैं और हर क्लब मेंबरशिप का अलग अलग क्वालिफिकेशन होता है। तो फ्रेंड्स चलिए आइए आज हम इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं BM क्लब मेंबरशिप की। BM क्लब को अचीव करने के लिए आपको हर हफ्ते एक पॉलिसी करनी होती है और ऐसा आपको लगातार 3 साल करना पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं DM क्लब मेंबरशिप की। DM क्लब को अचीव करने के लिए आपको हर हफ्ते सिर्फ 2 पॉलिसी करनी होती है और ऐसा आपको 3 साल लगातार करना होता है। तो नेक्स्ट है ZM क्लब मेंबरशिप। ZM क्लब को अचीव करने के लिए आपको हर 3 दिन में 1 पॉलिसी करनी पड़ती है और ऐसा आपको 3 साल करना होता है। नेक्स्ट है CM क्लब मेंबरशिप। CM क्लब के लिए आपको हर 2 दिन में 1 पॉलिसी करनी होती है और ऐसा आपको लगातार 3 साल करना पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट क्लब मेंबरशिप इज गैलेक्सी क्लब मेंबरशिप एंड MDRT। MDRT और गैलेक्सी क्लब मेंबरशिप के लिए आपको हर महीने लगभग 2 लाख का प्रीमियम करना पड़ता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि गैलेक्सी क्लब मेंबर के लिए आपको अप्रैल से लेकर मार्च के बीच में टारगेट पूरा करना होता है और MDRT के लिए आपको जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में टारगेट पूरा करना पड़ता है। एंड द लास्ट क्लब मेंबरशिप इज कॉरपोरेट क्लब मेंबरशिप। कॉरपोरेट क्लब को अचीव करने के लिए आपको हर महीने 4 लाख का प्रीमियम करना पड़ता है और ये भी आपको अप्रैल से मार्च के बीच में ही करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको शॉर्ट समरी करके सारे क्लब मेंबरशिप के बारे में बताया कि कैसे आप उन्हें अचीव कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन।